वेलकम टू कॉकटेल्स इंडिया एंड आई एम योर होस्ट दादा बार्टेंडर। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है देसी दारू और देसी दारू से मैं बनाऊंगा मोहितो कॉकटेल। जी हाँ, वर्ल्ड फेमस कॉकटेल जिसका नाम है मोहितो, उसी को आज हम बनाएंगे देसी दारू से। अक्सर मेरे पास ये क्वेश्चन आया करता है कि दादा क्या देसी दारू से कॉकटेल बन सकता है, और मैं आपको बोलता हूँ कि जी हाँ बन सकता है, बेहतरीन बन सकता है, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ। आज बनाएंगे मोहितो कॉकटेल, उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे, उसका भी रीजन आपको बताएंगे। तो चलिए पहले कॉकटेल को बनाते हैं, तब तक देसी दारू को थोड़ा साइड करते हैं। तो पहले मैं लूंगा एक ग्लास, इसमें हम लोग बनाएंगे मोहितो को, और मैं यहाँ पर यूज करूँगा, जैसे कि मोहितो में लगता है लाइम, तो मैं उसको काट के रखा हूँ, तो लाइम दे दीजिए थोड़ा सा, एक लाइम देने से हो जाएगा, मैं एक लाइम को काट के रखा हूँ। और आपको चाहिए मिंट, पुदीना का पत्ता, तो पुदीना का पत्ता मैं तोड़ के रखा था तो थोड़ा दे दिया। और जैसे कि शुगर लगता है तो शुगर भी हम लोग देंगे एक चम्मच, ये ऐसा टीस्पून आप बोल सकते हो। और मॉडल कर देंगे, अच्छा कर देंगे। वाह, फैंटास्टिक मिंट का सुगंध आ रहा है। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, देसी दारू डालेंगे 60 ml। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको बोलना चाहूँगा कि देसी दारू 60 ml डालेंगे वो तो सही है, बट आप जानते हैं देसी दारू में जो अल्कोहल परसेंटेज है वो काफ़ी कम होता है। यहाँ पर अगर गौर करेंगे तो देखिए लिखा है 22% ऑफ एल्कोहल वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो मैं 60 इसीलिए डाल रहा हूँ। हालांकि अल्कोहल परसेंटेज कम है, मतलब ये अंडर प्रूफ है, बट बहुत पावरफुल है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जब देसी दारू पियेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है आपको, है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट करूँगा, वो ट्विस्ट है पाइनएप्पल जूस। तो मैं इसको ऐड करूँगा थोड़ा सा, इसका जो हर्शनेस है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, थोड़ा मीठा और बनाने के लिए। आप चाहो तो इसमें डायरेक्टली सोडा और आइस डाल के सर्व कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ पाइनएप्पल जूस, तो मैं थोड़ा सा पाइनएप्पल जूस डालूँगा, अराउंड 50 ml, बस ये हो गया। अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रस्ट आइस डालेंगे, तो ये मैं पहले से करके रखा था क्रस्ट आइस, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्लास को फुल कर दूँगा। अब आइस देने के बाद मैं इसमें दूंगा सोडा, तो ये रहा सोडा। सोडा देना मैं प्रेफर करूंगा क्योंकि ये ऑलरेडी काफी मीठा है, क्योंकि इसमें पाइनएप्पल जूस गया है, यहां पर आप शुगर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो सोडा परफेक्ट बैलेंस करेगा इस कॉकटेल को। अब मैं इसको थोड़ा सा स्टर कर लूंगा ऐसे, कॉकटेल ऑलमोस्ट बन चुका है। अब आता है गार्निश का बारी, और इसको गार्निश करने के लिए मैं यूज करूंगा ये पाइनएप्पल लीव्स, जिसको मैं दूंगा क्योंकि इसमें पाइनएप्पल थोड़ा सा है, तो मैं पाइनएप्पल दे दूंगा यहाँ पर, पाइनएप्पल लीव्स 3। और यहाँ पर मैं यूज करूंगा मिंट को, जैसे कि आप जानते ही है कि मोहितो में मिंट सबसे सही लगता है, तो मैं थोड़ा सा मिंट भी इस्तेमाल कर लूंगा यहाँ पर ऐसे करके, ऐसे कर। बस ये बन गया आपका कॉकटेल, इसका नाम है देसी दारू मोहितो। मैं अभी ट्राई करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसा लग रहा है, हालांकि मैं टेस्ट कर चुका हूं, फिर भी एक बार ट्राई करता हूं। सच अमेजिंग, अमेजिंग लग रहा है। आप विश्वास मत कीजिए मेरे बातों का, बनाइए घर में और ट्राई करके मुझे लिखिए कि आपको कैसा लगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा ये कॉकटेल। तो आज का वीडियो कैसा लगा लिखकर बताइएगा जरूर, वेट करेंगे आपका ब्यूटीफुल कमेंट्स का। बाय बाय एंड टेक केयर, प्लीज ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली। टाटा।